अस्सलाम वालेकुम डिफेंस वर्ल्ड फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अकेंजी ड्रोन पर तुर्क साख्ता AESA रडार के इंटीग्रेशन से मुतालिक खबर पर बात करेंगे। यूनान की जानिब से F-16 अपग्रेड्स की दरख्वास्त, रूस और ईरान को अमरीकी धमकी, अमरीकी नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत दीगर अहम बैन अल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तुर्क साख्ता अकेंजी ड्रोन पर इस साल ही मुल्की सतह पर तैयार करदा AESA रडार को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये बात तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के सरबराह डॉक्टर इस्माइल देमर ने कही। उनका मजीद कहना था कि एसलसान के तैयार करदा AESA रडार को तुर्की के जेर इस्तेमाल F-16 ब्लॉक 30 तैयारों पर इस साल के आखिर तक इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। इस बारे में उन्होंने मजीद कहा कि अकेंजी ड्रोन पर यह इंटीग्रेशन पहले कर दी जाएगी और अकेंजी को इस रडार के टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस रडार की रेंज तो नहीं बताई गई, लेकिन इसके बारे में लॉन्ग रेंज, मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग और दीगर एडवांस फीचर्स का दावा किया गया है। चीन और थाईलैंड की एयरफोर्सेस के दरमियान मुश्तरका एयर एक्सरसाइज का आगाज परसों यानी 14 अगस्त को होगा। इस सिलसिले में चीन की एयरफोर्स के फाइटर जेट J-7A और J-10C के अलावा एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट थाईलैंड पहुंच गए हैं। फाल्कन स्ट्राइक 2022 नामी इस एक्सरसाइज में थाईलैंड की जानिब से 5 क्रिपन तैयारों के अलावा अल्फा जेट अटैक एयरक्राफ्ट और साब 340 अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट हिस्सा लेंगे। याद रहे कि इससे पहले चीन की एयरफोर्स और थाईलैंड की फिजाइया के दरमियान फाल्कन स्ट्राइक 2019 भी मुश्तरका तौर पर कंडक्ट की जा चुकी है। अमरीका ने खबरदार किया है कि रूस और ईरान के दरमियान असले की तिजारत कबूल नहीं की जाएगी और इस वजह से इन पर इक्तसादी पाबंदियों को ज़्यादा मजबूती से आयद किया जाएगा। अमरीकी दफ्तर खारजा की तरफ से ये बात ईरान से रूसी अहलकारों को ड्रोन इस्तेमाल करने से मुतालिक तरबियत के एक सवाल पर कही गई। जो बाइडन इंतजामिया ने पहली बार रूस के लिए ईरानी ड्रोन तैयारों की फरहमी और रूसियों को तरबियत देने के मामले पर पिछले माह बात की थी। उस वक्त यह भी कहा गया था कि इन ईरानी ड्रोन तैयारों को रूस मुबैना तौर पर यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। इधर अमरीकी और दीगर मीडिया सोर्सेज का कहना है कि रूस के पर्सनल को ईरान की जानिब से ईरानी ड्रोन्स ऑपरेट करने के हवाले से तरबियत का आगाज कर दिया गया है। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बुश मास्टर मिलिट्री व्हीकल का इलेक्ट्रिक वेरियंट मुतारिफ करवा दिया है। इलेक्ट्रिक प्रोटेक्टेड मिलिट्री व्हीकल नामी इस नए वेरिएंट को रिवायती बुश मास्टर व्हीकल की नेक्स्ट इनोवेशन स्टेज कहा गया है। इस व्हीकल को अनकरीब ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की तरफ से ऑर्डर किया जाएगा। 11 टन वजनी 4x4 व्हीकल ब्लास्ट और बिलिस्टिक प्रोटेक्शन रखती है, जबकि इस पर 4 टन का पेलोड कैरी किया जा सकता है। इतलात के मुताबिक यूक्रेन के रास्ते यूरोप को रूसी तेल की फराहमी दोबारा से शुरू कर दी गई है। इससे पहले यूक्रेन की जानिब से इस मामले पर ज़रूरी अदायगियां ना होने की वजह से 4 अगस्त को रूसी तेल की तरसील रोक दी गई थी। वाज़ह रहे कि ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक अपनी तेल और गैस की ज़रूरियात के लिए रूस पर इन्हिसार करते हैं। अलबत्ता इनके दोगलेपन का इस बात से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये खुद तो दूसरे ममालिक को रूस से तेल और गैस खरीदने पर लेक्चर देते और पाबंदियों की धमकियां देते हैं, जबकि खुद रूस से तेल और गैस का हसूल जारी रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी बेकर के सीनियर ऑफिशियल का कहना है कि कंपनी को TB2 और अकेंजी ड्रोन से मुतालिक अगले 3 साल के लिए ऑर्डर रिसीव हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इन दोनों ड्रोन्स की बेपरह मकबूलियत से अगले 3 साल के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर आना इस बात का मुंह बोलता सबूत है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बेकर अकेंजी ड्रोन की फैसिलिटी भी यूक्रेन में कायम करेगी, जबकि TB2 से मुतालिक फैसिलिटी पर पहले ही काम हो रहा है।
फ्रेंड्स, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला का एक साल पूरा होने को है। इस बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सेंट कॉम के साबिक सरबराह जनरल मैकेंजी का कहना था कि दोहा पीस प्रोसेस और दोहा मुआहदा अफगानिस्तान में शिकस्त की वजह बने। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जनरल मैकेंजी का कहना था कि अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला गलती थी, लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला मेरा फैसला नहीं था। उनका कहना था कि मेरी राय में अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान में रुकना चाहिए था। मेरा उस वक्त ये मौक़िफ़ था कि 2500 अमरीकी फौजी अहलकारों का एक साथ मुकम्मल इनखला ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे खदशा था कि अमरीकी फ़ौज हटेगी तो अफगान हुकूमत भी गिर जाएगी। याद रहे कि अमरीकी अफवाज के इनखला के दौरान ही तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को अफगान दारुलहकूमत काबुल समेत दीगर इलाकों पर दोबारा से कंट्रोल हासिल कर लिया था। फ्रेंड्स, चीन के तैयार करदा AR-500C अनमैंड हेलीकॉप्टर को ताइवान के करीब की जाने वाली हालिया एक्सरसाइजेज में चीनी फौज की जानिब से इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात है। इस हेलीकॉप्टर को पहली मर्तबा 2020 में टेस्ट फ्लाइट से गुजारा गया था। ये अनमैंड हेलीकॉप्टर 500 किलोग्राम पेलोड कैरी करने और 5 घंटों तक फिजा में रहने की सलाहियत रखता है। इसकी टॉप स्पीड 170 किलोमीटर पर आर है और ये ज्यादा से ज्यादा 5000 मीटर की बुलंदी पर फ्लाई कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को ना सिर्फ रिकॉनिसेंस बल्कि ऑफेंसिव मिशंस में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमरीकी कंपनी बोइंग और नॉर्वेजियन एरोस्पेस एंड डिफेंस पार्टनर नेमो ने ऐलान किया है कि उन्होंने रैमजेट पावर्ड आर्टिलरी शेल को कामयाबी से एक मरतबा फिर टेस्ट किया है। हालिया टेस्ट की कामयाबी अमरीकी आर्मी की लॉन्ग रेंज प्रिसीशन फायरिंग कॉन्सेप्ट के हवाले से वाज़ह रहे कि रैमजेट पावर्ड ये 155 मिलीमीटर शेल सुपरसोनिक स्पीड पर प्रोपेल कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के लिए अमरीकी फौज की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट जुलाई 2019 में अवार्ड किया गया था, जबकि इससे पहले किए जाने वाले इस रैमजेट पावर्ड शेल के टेस्ट के बारे में हम आपको पहले ही मार्च में खबर दे चुके हैं। अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर से मुतालिक कंपनी को ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है। नेक्स्ट जनरेशन इंटरसेप्टर को बुनियादी तौर पर अमरीका अपनी होमलैंड सिक्योरिटी के लिए दिन ब दिन बढ़ते और बदलते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल खतरात से निमटने के लिए तैयार कर रहा है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक यूनान ने अपनी एयरफोर्स के जेरे इस्तेमाल 38 F-16 ब्लॉक 50 तैयारों के लिए अमेरिका को वाइपर स्टैंडर्ड पर अपग्रेड्स के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जारी कर दिया है। इस रिक्वेस्ट के बाद मुमकिन तौर पर अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को इन 38 एयरक्राफ्ट की अपग्रेड का कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्द अवार्ड किया जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।